नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का दिया आदेश। दिल्ली शराब घोटाला में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, सीबीआई से संबंधित मामले में हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। दिल्ली शराब घोटाला में के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस। पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। दिल्ली के बादली औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। सीएम ममता बनर्जी बोले, कोलकाता रेप केस में अगर रविवार तक पुलिस नहीं सुलझाती मामला तो सीबीआई को करेंगे ट्रांसफर। कोलकाता डॉक्टर रेप केस में अर्जी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। कोलकाता में डॉक्टर से बर्बरता के विरोध में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, एक महिला की हुई मौत। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले रविशंकर प्रसाद, देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश बोले, बांग्लादेश में कोई भी समुदाय ना हो हिंसा का शिकार, ये अति संवेदनशील मामला है। नीतीश कुमार ने जहानाबाद हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने लिखी खुली चिट्ठी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के गढ़ मेहरपुर में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर में लगाया गर्भगृह में की लूटपाट। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। हिजबुल्ला ने करीब 30 मिसाइल से इजरायली सैन्य अड्डे को बनाया निशाना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।